हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सरकारी जॉब 24 में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान बीएसटीसी को लेकर एक और इम्पोर्टेंट सा अपडेट्स आए हैं जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर यहां पर अपडेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंटों को इस जो लेटेस्ट न्यूज अपडेट आई उसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। इस पर नहीं यूट्यूब पर, नहीं गूगल पर, किसी भी वेबसाइट पर कोई भी अपडेट नहीं आई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स देने वाला हूँ, जो कि फ्रेंड्स ये डेट को यहाँ पर 6 नवंबर की डेट में यहाँ पर आ चुकी हैं और आज हो चुकी हैं 7 तारीख, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। आपको राजस्थान बीएसटीसी, पीटीटी, राजस्थान गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक प्रकार की ऑफिशियल अपडेट्स लगातार मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट्स है ये आए हैं कि आपने बीएसटीसी का जो फॉर्म भरा है उसमें आप संशोधन कर पाए थे, ठीक है। और उसकी यहाँ पर जो डेट थी, लास्ट डेट थी यहाँ पर थी 8/9/2022, इसकी लास्ट डेट दे रखी थी और बहुत सारे स्टूडेंटों ने संशोधन भी नहीं करवाया था और या फिर आपकी कोई भी गलती थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी, लास्ट डेट निकल गई थी। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर देखते हुए फिर से आपके लिए फॉर्म में संशोधन की डेट यहाँ पर दे दी गई है। लेकिन आपका यहाँ पर जो शेड्यूल जारी किया गया है इसमें कोई भी डेट मेंशन नहीं की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी डेट नहीं है, केवल पुरानी डेट ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ करेक्शन की डेटें आ चुकी हैं, अपने फॉर्म में संशोधन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर आई है, तो आपको यहाँ पर जो स्क्रॉलिंग बार से बारिंग चल रही है इसमें आपको देख सकते हैं एडिटिंग विंडो इज लाइव फ्रॉम 6/11/2022, यानी कि अपने फॉर्म में आप संशोधन कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको संशोधन कहाँ से होगा और इस पर वीडियो मैंने आपको बनाया हुआ है कि फॉर्म में आपको बीएसटीसी फॉर्म में संशोधन कैसे करना है, बिल्कुल नया तरीका है, उस पर वीडियो आपको बना हुआ है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आपको उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप जरूर चेकआउट कर लेना है। उसको देखने के बाद ही आपको फॉर्म का करेक्शन करना है। यदि आप स्वयं से कर रहे हैं तो उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको करेक्शन करना है, कोई भी संशोधन करना है, ताकि आपके फॉर्म में कोई भी गलती ना हो, ठीक है। तो आप जान लेते हैं कहाँ पर मिलेगा। इसके लिए आपको यहाँ पर प्री डेलेडे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन का वाला ऑप्शन है, आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर जो लॉगिन पेज है ये ओपन हो जाता है, जिसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर जो साइन इन का ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या है, लॉगिन करना होगा। इसके लिए आपको आपका मोबाइल नंबर, पासवर्ड यहाँ पर डालना है। पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ से फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इसके बाद दोनों डिटेल्स डालने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे प्रिंट सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे और आपको यहाँ पर जो फॉर्म करेक्शन का है वो डेट का वो ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलेगा माय एप्लीकेशन वाले ऑप्शन में। तो सिंपली आपको माय एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो भी जनरल डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और एडिट और व्यू का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आपकी सिंपली इसमें क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन आ चुका है फर्स्ट में और व्यू का ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एडिट करने के लिए सिंपली आपको इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसके बाद आपको यहाँ पर ओके के वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपको यहाँ पर जो भी अपडेट करना चाहते हैं उसके अपडेट करने के बाद से एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसके बाद जनरेट प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, आपको प्रीव्यू चेक कर लेना, उसके बाद फाइनल जो सबमिट का वाला ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ से हम ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं वहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसमें एक और न्यू चेंजेज यहाँ पर किया गया है, तो पिछले वाला जो करेक्शन है कि आपको डेट आई थी उसमें आपको कोई भी फीस जमा नहीं करवानी थी, लेकिन इसमें आपको 50 रुपये फीस जमा करवानी है, ठीक है। तो जो भी करेक्शन करवाएंगे उनको फीस जमा जरूर करवानी है, तभी आपका करेक्शन होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो करेक्शन की जो अमाउंट है 50 रुपये यहाँ पर बताई गई है, आपको बैंक सेलेक्ट करना है, इसके बाद पेमेंट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। मैं आपको सेलेक्ट करके भी बता देता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पर सेलेक्ट बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, कौन सा आपको यहाँ पर गेटवे लेना चाहते हैं, किसी भी बैंक से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी बैंक के एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप यहाँ पर
फीस जमा करवा सकते हैं। आपको कौन सा भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सेलेक्ट पेमेंट टाइप में आपको क्लिक करना है, ऑनलाइन वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखते हैं कौन सा पेमेंट आप यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, वो ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी डिटेल्स हैं वो आपको पीस वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर टोटल पीस वगैरह देखने को मिल जाती हैं। आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। मैं इसमें कोई भी आपको केवल दिखाने के लिए ये ओपन किया है, ठीक है। कोई भी पीस यहाँ पर पे नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्म सही है, ठीक है। तो आप अपने फॉर्म में यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं। दोबारा ऑप्शन आ चुका है, लेकिन 50 रुपये की फीस आपको आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में यही लेटेस्ट न्यूज निकल कर आई है कि आपका जो BSTC का फॉर्म करेक्शन है, फॉर्म का जो संशोधन है, वो दोबारा स्टार्ट हो चुका है, आप कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है वो नहीं बताई गई है। 6 तारीख से स्टार्ट है, लेकिन जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट का कोई भी पता नहीं है। तो आपकी लास्ट डेट माने तो यहाँ पर 10 तारीख तक हो सकता है। इसका आपको विशेषकर ध्यान में रखना है, ठीक है। जो भी करेक्शन करवाना चाहते हैं जल्दी से जल्द अपना करेक्शन करवा लेना है। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।